आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। केजरीवाल सरकार अपने पिछले 4 साल की नाकामी को छिपाने और कांग्रेस से गठबंधन करने में इतनी आतुर है कि 1984 में हुए सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट देने में आप पार्टी सिख विधायकों की भावनाओं को भी नजरअंदाज कर रही है। भावना सी ते मैं ऑन रिकॉर्ड विधानसभा दे विच आखी है, उस दिन रेजोल्यूशन दा पार्ट नहीं बन सकिया टेक्निकली, ओदा सब समझदे ने। भावना सी ते मैं ऑन रिकॉर्ड विधानसभा दे विच आखी है, उस दिन रेजोल्यूशन दा पार्ट नहीं बन सकिया टेक्निकली, ओदा सब समझदे ने। इसीलिए जब अकाली बीजेपी विधायक ने विधानसभा में पास हुए विधेयक को बैकडोर से वापस देने की बात कही तो स्पीकर में तुरंत पूरे विपक्ष को सदन की कार्यवाही से मार्शल आउट कर दिया। साथ ही सदन को भी स्थगित कर देने के बाद भी मनिंदर सिंह सिरसा के साथ बसलूकी जारी रही और आप पार्टी के विधायक जरनैल सिंह एक तानाशाह की तरह बिना किसी कानूनी अधिकार के मार्शल को हुक्म देते रहे कि मनिंदर सिंह सिरसा को उठाकर बाहर फेंक दो। क्या एक सिख विधायक को दूसरे सिख विधायक के साथ ऐसा करना शोभा देता है? क्या पार्टी पंच से बड़ी हो गई? आज हमने जो पिछले विधानसभा सत्र में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस करने के लिए जो प्रस्ताव पास किया था और फिर उस प्रस्ताव को बदलने की कोशिश की स्पीकर ने, हमने उसके लिए रूल 145 में एक एप्लीकेशन मूव की थी फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर साहब ने कहा इसके लिए 14 दिन का नोटिस चाहिए होता है। हमने कहा ठीक है, हमने रूल 54 में भी एप्लीकेशन लगाई और 89 में भी, आप इसको कंसिडर कर लें। जब हम ये बात कर रहे थे, मैं बात करके नीचे स्पीकर साहब से बात करने के लिए गया कि आप ये 1984 का 8000 बेगुनाह सिखों को तेल डाल कर मारने का मसला है, इस मसले को संजीदगी से लें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ है, इसलिए इसके ऊपर आप चर्चा कराएं और ये स्पष्ट करें कि जो क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही कांग्रेस को, ये गलत है। हमने प्रस्ताव लेके आए थे कि कांग्रेस दिल्ली के सिखों की कातिल है और कांग्रेस को ये विधानसभा जो है सामूहिक तौर पर यूनैनिमसली पास करे कि ये कातिलों की पार्टी है और इसने सिखों का बेगुनाह सिखों का कत्लेआम किया। स्पीकर साहब, क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलायंस करना चाहती है और ऑन दी कॉस्ट ऑफ दी इनोसेंट सिक्स, 8000 जो सिख का कत्लेआम हुआ, मैसेकर हुआ, उसके इनाम वजह में वो ये काम करना चाहती उसकी कीमत पर। जब हमने स्पीकर साहब को ये मैंने कहा तो उन्होंने तुरंत से मार्शल को इनको उठा के बाहर फेंको और हाउस अर्जन हो चुका है। इसके बावजूद जब मैंने मार्शलों को कहा कि हाउस अर्जन है, अर्जन हाउस के अंदर, मेरा बाहर जाने का मतलब नहीं, स्पीकर ही नहीं है सीट के ऊपर, तो वो वापस जाते हैं अंदर से, स्पीकर साहब उनको निर्देश देते हैं मेरे आने से पहले पहले उसको उठा के बाहर फेंको। मेरी पगड़ी उतारी गई, मेरे को पैर, मेरा पैर बीच में फंसा हुआ था, मैं चलाता रहा, आप ये देखें मेरा क्या हाल किया है, मेरा पैर खूनों खून कर दिया, मेरे ये कपड़ों का ये हाल किया, मेरी पगड़ी उतार दी, मेरी पगड़ी हाथ में है, मैं चलाता रहूँ मेरी पगड़ी, वहाँ पर सिख MLA आके खड़े हुए जरनैल सिंह, मैं उनको हाथ धोवा के दुहाई दी, अरे मेरे को मत मारो ऐसे, मेरी पगड़ी मत उतारो ऐसे, अरे मैं तो सिखों की बात कर रहा हूँ, क्या गुनाह कर रहा हूँ, क्या इस विधानसभा में सिखों की बात करना गुनाह है, क्या इस विधानसभा में सिखों की बात करना पाप है, मैं चलाता रहा, आवाज़ें देता रहे, मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी पगड़ी मत उतारो इस तरह से, मेरी पगड़ी उतार के मेरे को बाहर जलील करके निकाला गया। जिस दिल्ली के अंदर हमें कत्लेआम किया गया, आग लगाया गई, आज इस विधानसभा के अंदर एक इलेक्टेड मेंबर की पगड़ी को उछाला गया, बाहर फेंक कर, पगड़ी के समेत मुझे बाहर ला के फेंक, मैं समझता हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, ये सारे देश सिखों के गौरव की बात, बार बार कह रहा है मेरी पगड़ी को मत उतारो, जो मर्जी करो मेरी पगड़ी को मत उतारो, लेकिन इस विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सिख की पगड़ी को उतार कर उसको बाहर फेंका गया। मेरे पास इसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहने को कोई अल्फाज नहीं है।